कॉस्ट एक वर्ड लिखवाया था मैंने अभी, तो उस कॉस्ट देखते हैं कॉस्ट है क्या। ठीक है, कॉस्ट देखते हैं कॉस्ट क्या है। तो जो कॉस्ट होती है ना वो पहले ही डिसाइडेड है। ठीक है, आई ट्रिपल ई ने हर एक लिंक की, लिंक मतलब ये तो डिवाइस है, स्विच है, इनके बीच में ये लिंक ही तो है। ठीक है, लिंक एडिशन कर दी, एक और लिंक ले आई, एक और वायर वाले कनेक्ट कर दी, केबल कनेक्ट कर दी, तो इस लिंक की कॉस्ट ना ऑलरेडी डिफाइंड है। ठीक है, ऑलरेडी ये प्री डिफाइंड है। अगर यहाँ पे कोई ईथरनेट लिंक होता है तो उसकी कॉस्ट कितनी होती है, 100 होगी। आई ट्रिपल ई ऑलरेडी प्री डिफाइंड लिंक कॉस्ट। ठीक है, तो आप ट्राई करोगे ना और भी बाकी इंटरफेस की देखते हुए, ये ईथरनेट लिंक है तो उसकी कितनी होती है, 1000 होती है। फास्ट ईथरनेट की कितनी होगी भाई, 19 होती है। ठीक है, 1 गिग की कितनी होती है, 4 होती है, और 10 गिग की कितनी होती है, 2 होती है। ये ऑलरेडी प्री डिफाइंड है। और ये जो कॉस्ट है ना, ये एक्चुअल में स्पीड की कॉस्ट है, ये स्पीड की कॉस्ट है। स्पीड की क्या मतलब है, ये तो सही है। यहाँ पे क्या है, गिग पोर्ट है, ये भी गिग पोर्ट है। ठीक है, गिग पोर्ट की कितनी होती है, गिग पोर्ट की वैल्यू लिखवाई आपको 1 गिग की 4 है, 1 गिग की 4 है। आपने क्या किया, इस इंटरफेस पे जाके इसकी क्या क्या स्पीड चेंज कर दी, इसकी स्पीड कितनी कर दी आपने, फास्ट इथरनेट कर दी, 100 Mbps कर दी। ठीक है, तो 100 Mbps पे कितनी होती है, 19। तो इसकी कॉस्ट पता है कितनी रहेगी, यहाँ पे 19 हो जाएगी। कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 19। अब मैं बात करूंगा एक कॉस्ट कैसे पिक्चर में आती है, कैसे कॉस्ट ऐड होती है। ठीक है, आपको दो पोर्ट दिख रहे हैं यहाँ पे, एक तो ये वाला, एक ये वाला, तो कॉस्ट कौन सी वाली ऐड होती है। ठीक है, ये भी बताता हूँ। उससे पहले डायग्राम से हम ये फ्लो देखते हैं कुछ क्या। सपोज करो वन क्या है, इधर आपका रूट ब्रिज है, ये वन ही क्या आपका रूट ब्रिज है। इसकी देखना, इसको ब्रिज आईडी डाल दो सबसे पहले, तो कितनी होगी, 3 2 7 6 8 प्लस में ओ, ये मान लो इसको, इसकी कितनी होगी, 3 2 7 6 8 प्लस में ओ बी, इसकी कितनी जाएगी, 3 2 7 6 8 ओ सी, सबसे छोटा कौन है, ये है, तो ये क्या बन गया आपका, रूट ब्रिज बन गया। ठीक है, आप रूट ब्रिज बन गया, देखो बीपीडब्ल्यू में क्या क्या भेजेगा, जो मेन मेन फील्ड है वो आपको पता, जो है क्लियर होनी चाहिए वो बता देता हूँ। एक तो क्या जाएगी आपके यहाँ पे, रूट ब्रिज लग के जाएगी, पीपीडी ऐसे निकलेगा, तो पीपीडी आ जाएगा ना सिस्टम के पास, तो एक तो अपनी रूट आईडी लगा के भेजेगा, 3 2 7 6 प्लस में ओ है, ये क्या बन गई इसकी, रूट ब्रिज आईडी। कॉस्ट, कॉस्ट लग के जाएगी 0, क्योंकि कॉस्ट जो हमेशा ऐड होती है ना वो रिसीव रिसीव वाले इंटरफेस की ऐड होती है। यहाँ पे कोई ये तो ट्रांसमिट कर ना, रिसीव कोई पोर्ट नहीं यहाँ पे, रिसीवर जो कॉस्ट ऐड होगी ना हमेशा रिसीवर पोर्ट की ऐड होगी, रिसीवर पोर्ट की ऐड होगी हमेशा। ठीक है, रिसीवर पोर्ट की कॉस्ट ऐड की जाती है। डेजिग्नेटेड ब्रिज आईडी मैंने लिखवाई थी, डेजिग्नेटेड ब्रिज आईडी होती है जो सेंडर होता है ना, सेंडर उसी की ब्रिज आईडी क्या है, तो सेंडर यहाँ पे क्या है, ए, इसकी ब्रिज आईडी क्या, 3 2 7 6 8 प्लस में ओ ए। ठीक है, ए जो होती है डेजिग्नेटेड पोर्ट आईडी, सेंडर की पोर्ट आईडी, सेंडर की पोर्ट आईडी क्या होती है भाई, ये बाय डिफॉल्ट फॉर्मूला होता है। सपोज करो ये 128 में ऐड हो जाएगा, ये 0/1 है, सपोज करो ये 0/2 है, 0/3 है, ये 0/4 है, 128 में ऐड कर देना जो भी इधर लिखा हो, 0/1 है तो प्लस में 1 कर देना। ठीक है, 0/2 है तो 128 प्लस 2, 0/3 है तो 128 प्लस 3, जो भी बाई 4 है 128 प्लस 4 हो जाएगा, ये बोलते हैं उसको पोर्ट आईडी।
रूट ब्रिज देखो, रूट ब्रिज जब भी आप देखो जो भी रूट ब्रिज है वो रिसीव तो करेगा नहीं कैसे भी पड़ी हो, रूट ब्रिज हमेशा कॉस्ट जीरो लगा के भेजेगा। आप कहीं भी देख लेना रूट ब्रिज जो भी अपना एक बीपीडी भेजेगा ना वो हमेशा कॉस्ट जीरो लगा के भेजेगा शुरू में, ठीक है। और कहने का मतलब ये जिस भी पोर्ट से बीपीडी ट्रांसमिट होता है ना, जिस भी पोर्ट से बीपीडी यहीं से ट्रांसमिट हो रहा है इनिशियली, तो उस पोर्ट की कॉस्ट ऐड नहीं होती। भाई देखो यहाँ से ट्रांसमिट हो रहा है ना, इसकी कॉस्ट ऐड नहीं होगी। सेकंड भी तो ट्रांसमिट करेगा इसको, इसको आगे फॉरवर्ड करेगा ट्रांसमिट करेगा, तो इस पोर्ट की कॉस्ट कभी ऐड मत करना, ठीक है। हमेशा ट्रांसमिट वाले जो भी बीपीडी ट्रांसमिट करेगा ना उसकी कॉस्ट कभी ऐड मत करना, ठीक है। अब ये चलते चलो ये बी पे पहुंचेगा, क्या पहुंचेगा ये पहुंचेगा ये अपना बीपीडी पहुंचेगा, और दो किसको भेजेगा, तीन को। अब जब दो तीन को भेजेगा तो यही कंटेंट भेजेगा ना, तो देखना क्या चेंज होंगे। रूट ब्रिज आईडी कौन है, ये तो सेम रहेगी पूरे नेटवर्क में 3276 में वो ए, ठीक है। ये तो भाई दो तीन को ही बताएगा ना। कॉस्ट कितनी होगी, कॉस्ट होगी ये वाली कॉस्ट देखो, रिसीव वाले कॉस्ट की, रिसीव वाले पोर्ट की कॉस्ट ऐड कर दी जाएगी। रिसीव कितना हुआ था 0/2 पे, और ये सपोज करो ये कौन सा लिंक है, फास्ट इंटरनेट, तो कॉस्ट कितनी जाएगी 19। डेजिग्नेटेड ब्रिज आईडी क्या होगी, जो सेंटर होता है उसकी खुद की ब्रिज, खुद की क्या ब्रिज आईडी, सेंटर की ब्रिज आईडी कितनी है 32768 प्लस में OB। भाई स्विच 3 को ये भी तो पता लगना चाहिए ये भेजा किसने, ये कहां से पता लगेगा, डेजिग्नेटेड ब्रिज आईडी से। पोर्ट आईडी ठीक है, डेजिग्नेटेड पोर्ट आईडी, सेंटर की पोर्ट आईडी 0/3 128 प्लस में 3, ये भेजेगा भाई, ये कहां भेजेगा, स्विच 3 पे जाएगा, स्विच 3 पे जाएगा। सपोज करो स्विच भी कहीं आगे भेजा 0/5 पे, तो रूट ब्रिज आईडी तो सेम रहेगी 3276 में OA। कॉस्ट कितनी हो जाएगी, यहाँ तो 19 आ रही थी ना पहले, 19 तो आई रही थी प्लस में ये 0/4, इसमें रिसीव 1938 हो जाएगी, ठीक है। 19 तो उसने भेजी थी, और यहाँ पे रिसीव पे कितनी 0/4, ट्रांसमिट की तो ऐड होगी नहीं, सिर्फ रिसीवर पोर्ट साइड की ऐड होगी, 0/4 पे ऐड होगी, और वो भी इस, ये क्या फास्ट इंटरनेट सपोज करो, तो इसकी लिंक, इसकी कॉस्ट की 19 19 19 38। और डेजिग्नेटेड ब्रिज आईडी, सेंटर की ब्रिज आईडी, सेंटर कौन है ये 32768 प्लस में OC। डेजिग्नेटेड पोर्ट आईडी 128 प्लस में 5 सेंटर 5, ये क्या हो जाएगा आपका बीपीडी हो जाएगी, ठीक है। ऐसे ये ट्रांसमिट होता है, बीपीडी ऐसे फ्लो होता है। देखो एक टर्म आती है बीपीडीयू में सुपीरियर बीपीडीयू, एक टर्म आती है इंफीरियर बीपीडीयू, ये क्या होते हैं, ये 1 था, 2 था, ये 3 था, ये आपस में शुरू में क्या कर रहे थे, एक दूसरे को बीपीडीयू भेज रहे थे सारे के सारे, ठीक है। अब जिस भी स्विच को देखो, ये 2 था, ये 3 था, इन्होंने क्या किया अपना बीपीडी सेंड करना बंद कर दिया था ना, अब इनको कौन सा बीपीडी रिसीव हुआ था, इनको होता है सुपीरियर बीपीडी, ये सुपीरियर बीपीडी था ना, इसकी लोअर ब्रिज आईडी थी वो बेस्ट बीपीडी था, बेस्ट को हम क्या बोलते हैं सुपीरियर बीपीडी, तो उसी को हम सुपीरियर बीपीडी बोल देते हैं, ठीक है। जरूर ब्रिज के इनको क्या होता सुपीरियर बीपीडी रिसीव हुआ था, ठीक है। इनका क्या बीपीडी होता है, बोलते हैं इंफीरियर बीपीडी, इनके जो बीपीडी थे वो क्या थे इंफीरियर, और जो रूट ब्रिज का बेस्ट ये थे, ये बेस्ट किसका बना था स्विच वन का, ठीक है। तो वो कौन सा बीपीडी आपका सुपीरियर बीपीडी, तो सुपीरियर बीपीडी आपको पता ही है कौन सा होगा, जिसके लोएस्ट ब्रिज आईडी होगी। सबसे पहले तो यही देखोगे आप, मैंने यही बताया अभी आपको, बाकी के पॉइंट मैंने बताए नहीं है अभी आपको, तो बाकी के भी कुछ और पॉइंट्स हैं, हाउ टू आइडेंटिफाई सुपीरियर BPDU, एक लोएस्ट ब्रिज आईडी रूट ब्रिज, सॉरी लोएस्ट ब्रिज आईडी,
ये किसकी रहेगी, लूट ब्रिज की रहेगी। ठीक है, इससे पता लगे ना लूट ब्रिज आईडी वही किंग होता है। ठीक है, अब क्या पता ब्रिज आईडी सेम हो, भाई ऐसा हो सकता है ना ब्रिज आईडी सेम हो। चलो इस केस में तो नहीं हो सकता क्योंकि ऐसा एक ही स्विच है ऊपर। मैं दूसरा एग्जांपल देता हूँ जहाँ पे ब्रिज आईडी सेम हो सकती है। एक स्विच है ओ ए ओ बी, इसकी ब्रिज आईडी क्या होगी 3276+ ओ ए। ठीक है, अभी दोनों ट्रांसमिट ये करेगा ना, दोनों लिंक, दोनों लिंक सेम भी, ये भी तो ब्रिज आईडी क्या देगा 3276 उसमें ओ ए, और ये क्या भेजेगा, ये भी तो ही भेजेगा। अब स्विच टू के पास दोनों लिंक पे क्या हो रही है, सेम ब्रिज आईडी। अब ये तो आइडेंटिफाई नहीं कर पाया ना भाई इसमें कौन सा लोअर है, और जो भी इसमें से लोअर होता तो क्या बन जाता, तो पेयर रिपीटेड। ब्रिज आईडी सेम है तो क्या, ब्रिज आईडी सेम है तो नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कॉस्ट का, लिंक कॉस्ट। जिस भी लिंक की कॉस्ट कम होगी ना उसको मान लेना, फिर इसकी 19, इसकी सपोज करो 20 है या फिर 4 है। ठीक है, इसकी 4 है तो ये क्या हो जाएगा, इसी पोर्ट पे क्या हुआ भाई, ये यहाँ से आ रहा हमारा सुपीरियर भी पड़ी है, ये तो इंफीरियर भी पड़ी है। ठीक है, यहाँ से मेरा क्या सुपीरियर भी पड़ी आ रहा है, कॉस्ट कम होनी चाहिए। अब क्या पता कॉस्ट भी सेम हो, दोनों ही फास्ट इंटरनेट हो, दोनों की कॉस्ट क्या हो सेम हो, ये भी हो सकता है। तो क्या देखा जाता है, डेजिग्नेटेड ब्रिज आईडी, मतलब सेंडर की ब्रिज आईडी, लोएस्ट डेजिग्नेटेड ब्रिज आईडी। अब यहाँ पे तो डेजिग्नेटेड ब्रिज आईडी सेम है, सेंडर तो यही है, सेंडर तो यही है, वो भी सेम है। फिर देखा जाता है सेंडर की पोर्ट आईडी, सेंडर की पोर्ट आईडी मतलब ये वाला पोर्ट, ठीक है, जो आपको बताया था मैंने 128+ में, यहाँ से डिसीजन ले लिया जाएगा। कई बार ये भी सेम रहती है, कई बार ये भी सेम रही है, तो आता है रिसीवर की पोर्ट आईडी, रिसीवर पोर्ट आईडी ये सेम पता किस किस में रहती है। अगर स्विच है क्या पता किसी और हब से कनेक्टेड हो आगे, ये लो स्विच टू। ठीक है, अब डेजिग्नेटेड पोर्ट आईडी तो सेम रही, एक ही है ना, तो नहीं पता लग पाया, तो फिर रिसीवर पे इसमें से एक पोर्ट को ब्लॉक मार देगा रिसीवर साइड से। इसको आगे हम अभी हम देखेंगे टोपोलॉजी की हेल्प से भी, ये 6 स्टेप है, ये आगे दिखाई है। इतना समझ में आ गया सिद्धार्थ? हाँ सर इतना तो आ गया। सिद्धार्थ इतना क्लियर है? हाँ सर इतना तो क्लियर है। ठीक है, फिर इसके बाद कल करेंगे। ठीक है ठीक है, ओके ओके। तुम पूछो, कुछ कह रहे हो क्या? नहीं कुछ नहीं सर, ओके। ठीक है, इसके बाद रिवाइज कर लेना इसका एसटीपी को, आप इसमें इसमें काफी ज्यादा थ्योरी है, इसमें ध्यान रखना। ठीक है सर, ठीक है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट है इसके। ओके।